चैप्टर 6 नाउन एंड द केस. केस यानी कारक, द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, इट इज कॉल्ड द केस. नेसफील्ड. काइंड्स ऑफ केस. नंबर 1, नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक. A noun or pronoun that function as subject of a verb is placed in nominative case. Jaise, Dinkar wrote many poems in Hindi. Dinkar subject, wrote verb. The Red Fort is a famous building. The Red Fort subject is verb. He has gone to Mumbai. He subject has gone verb. Dinkar, the Red Fort, he वाक्य में wrote is has gone के सब्जेक्ट का काम करते हैं. अतः ये नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहता है. ऑब्जेक्टिव केस. अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस. जैसे ही हेल्प्ड प्रियंका. प्रियंका ऑब्जेक्ट. हेल्प्ड वर्ब. यू टीच हर. टीच वर्ब. हर ऑब्जेक्ट. प्रियंका हर का प्रयोग हेल्प्ड टीच के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है. अतः ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में रहता है. ट्री पजेसिव केस, संबंध कारक. व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पजेशन ऑन अनदर नाउन इज इन पजेसिव केस. जैसे दिस इज मोहन्स बुक. दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल. शी इज हिज वाइफ. यहां दिए गए सेंटेंसेस में मोहन्स, द लेग्स ऑफ, हिज से संबंध या अधिकार के भाव का बोध होता है. अतः ये सभी पजेसिव केस में हैं. फोर वोकेटिव केस, संबोधन कारक. इफ अ नाउन इज कॉल्ड, जैसे कम हियर मुकेश. आर यू गोइंग ब्रदर. यहां दिए गए सेंटेंस में मुकेश तथा ब्रदर का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है. अतः ये वोकेटिव केस में है. एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर ऐसा पाया गया है कि पजेसिव केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. अतः हम लोग अब खास रूप से पजेसिव केस का अध्ययन करेंगे. पजेसिव केस को जानने से पहले हम लोग केस टेबल के बारे में जानें तो ज्यादा बेहतर होगा. केस टेबल. नॉमिनेटिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव एडजेक्टिव माय, पजेसिव प्रोनाउन माइन, reflexive pronouns myself. Nominative case we, objective case us, possessive case our, ours, reflexive pronouns ourselves. Nominative case you, objective case you, possessive adjective your, possessive pronoun yours, reflexive pronouns yourself within bracket s, yourselves within bracket p. Nominative case he, objective case him, possessive adjective his, possessive pronoun his, reflexive pronouns himself. Nominative case she, objective case her, possessive adjective her, possessive pronoun hers, reflexive pronouns herself. Nominative case it, ऑब्जेक्टिव केस इट, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इट्सेल्फ. नॉमिनेटिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, टी एच ई आई आर, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देमसेल्व्स. ध्यान दें, माइंड सेल्फ, आर सेल्व्स, his self, herselves, themself, their selves, ourself, himself, herself, itself, their self, these are all wrong. इनका प्रयोग नहीं किया जाता है. Note, first, possessive adjectives, my, our, your, his, her, its, their का प्रयोग noun के पहले होता है. इनका प्रयोग noun के बिना नहीं किया जा सकता. Second, possessive pronouns, mine, ours, yours, his,
hers, theirs का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के बिना होता है, जैसे योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर. योर पजेसिव एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन, माइन पजेसिव प्रोनाउन. करेक्ट. योर्स ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर. योर्स पजेसिव प्रोनाउन, ब्रदर नाउन, माइन पजेसिव प्रोनाउन. इनकरेक्ट. योर ब्रदर इज रिच बट माई इज पुअर. माई पजेसिव एडजेक्टिव. इनकरेक्ट. ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी. इनकरेक्ट. ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी. करेक्ट. आई एंजॉयड माइंड सेल्फ. इनकरेक्ट. आई एंजॉयड माई सेल्फ. करेक्ट.